भागलपुर बाग थाना क्षेत्र के कुमेठा पंचायत की मुखिया अनीता देवी की हत्याकांड मामले में डीएसपी गौरव कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 31 मार्च को मुखिया अनीता देवी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें बात थाना क्षेत्र के महकुमार झा व खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के दीपक कुमार को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। उसी कड़ी में जांच पड़ताल के क्रम में यह बात सामने आई है कि उक्त घटना को मुखिया के प्राइवेट चालक महकुमार झा ने अंजाम दिया था। साथ ही डीएसपी ने बताया कि घटनाक्रम के षड्यंत्रकारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों आरोपी से मिली जानकारी के अनुसार हरेक बिंदुओं पर टीम की जांच की जा रही है। कुमेठा पंचायत में अनीता देवी, उनकी हत्या का जो है सूचना मिला लोकल थाने को और तकरीबन 9 बजे, और शीघ्र अतिशीघ्र थाना जो है वो पीओ पे पहुंचा। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया वहाँ पे, और जो डेड बॉडी था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और मौके वारदात से दो लोग गिरफ्तार हुए, मोहक कुमार और दीपक कुमार। मोहक कुमार श्यामपुर के रहने वाले हैं और दीपक कुमार परबत्ता के रहने वाले हैं। ये मोहक कुमार जो हैं वो अनीता देवी के प्राइवेट ड्राइवर थे और बॉडीगार्ड थे, मतलब सब कुछ वही संभालते थे। और दीपक जो है वो परबत्ता का रहने वाला है, मोहक का ये मामा का दोस्त है।